फूडीज, आज मैं बनाऊंगी रेड वेलवेट केक। इसमें हमने चॉकलेट गनाश यूज़ किया है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे हमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए वो देख लेते हैं। हाफ कप ऑयल चाहिए, इसे मैंने पहले हीट करा था 5 मिनट्स के लिए एंड देन कूल करके यहाँ रखा है। 1 कप मैदा चाहिए है, 1/3 कप शुगर चाहिए है, फिर यहाँ पे सॉल्ट लिया है, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर एंड 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, वनीला एसेंस, लेमन जूस, रेड फूड कलर एंड 1/2 ग्लास ऑफ मिल्क, 2 अंडे। सबसे फर्स्ट हम हमारा फ्लावर ऐड करेंगे, देन हमारा जो कुक्ड ऑयल है उसे ऐड करेंगे और इन दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। देन हम हमारा मिल्क ऐड करेंगे, पहले 1/2 मिल्क ऐड करेंगे देन 1/2 मिल्क ऐड करेंगे। उसके बाद हम एक बोल में एग वाइट्स लेंगे। यहाँ मैंने 2 एग वाइट लिए हैं, उन्हें हम विस्क करेंगे। एग वाइट्स में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है जो हमारे केक को एक वॉल्यूम देगा। लेमन जूस ऐड किया है। ये प्रोसेस आप हैंड विस्कर की मदद से भी कर सकते हैं अगर आपके पास इलेक्ट्रिक विस्कर नहीं है तो। देन हम हमारी शुगर ऐड करेंगे 1/3 कप। के बाद हम हमारा जो मैदा का पेस्ट है उसमें वनीला एक्सट्रैक्ट ऐड करेंगे, सॉल्ट ऐड करेंगे, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा ऐड करेंगे एंड रेड फूड कलर ऐड करेंगे और इन सबको एक अच्छा सा विस्क देंगे ताकि सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स वेट इंग्रेडिएंट्स के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाए। देन हम हमारे एग योक ऐड करेंगे। अब हम इसे एक स्पैचुला की मदद से मिक्स करेंगे। इसे मैं कट एंड फोल्ड मेथड से कर रही हूँ। फर्स्ट हम कट करते हैं एंड देन फोल्ड करते हैं। इसके बाद हमारे एग वाइट्स को ऐड करूँगी और सेम मेथड कट एंड फोल्ड। ये विस्क हो गया अच्छे से। नाउ वील ट्रांसफर द बैटर इनटू अ ग्रीस पैन। बेक करेंगे 180 डिग्री पे। हमारा केक बेक होके रेडी है। इसे हमने 15 to 20 मिनट्स के लिए बेक किया है। देन यहाँ पे मैं शुगर सिरप इस पे लगा रही हूँ। शुगर सिरप मैंने 2 टीस्पून शुगर एंड 3 टीस्पून वाटर को मिक्स करके बनाया है। हम हमारे केक को चॉकलेट गनाश से कवर करेंगे। चॉकलेट गनाश बनाने के लिए 1:1 में हमने क्रीम एंड डार्क चॉकलेट लिया है। मैंने यहाँ पे 50 ग्राम्स ऑफ डार्क चॉकलेट एंड 50 ग्राम्स ऑफ क्रीम लिए, उसे मिक्स किया है। केक को मैं अच्छे से कवर कर दूँगी ताकि हमारे इवनली टोन हो जाए और फ्लेवर सारे आ जाएँ। टॉप लेयर को भी मैं चॉकलेट गनाश से कोट करूंगी। यहाँ पे हमें ज़्यादा थिक कोटिंग नहीं करनी है, हम क्रम केक की तरह कोट करेंगे ताकि जब हम आइसिंग करें इसके ऊपर तो एक बेस मिल जाए। यहाँ पे आप डार्क चॉकलेट गनाश की जगह वाइट चॉकलेट गनाश भी यूज़ कर सकते हैं। वाइट चॉकलेट गनाश के लिए सिर्फ आपको वाइट चॉकलेट कंपाउंड लेना पड़ेगा एंड मेथड सेम रहेगी।
या तो आप माइक्रोवेव में वाइट चॉकलेट मेल्ट कर लें एंड उसमें क्रीम ऐड कर लें, या आप क्रीम को मेल्ट कर लें और उसमें चॉकलेट ऐड कर लें। अब हम इसे रख देंगे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए। तब तक हम अपनी पाइपिंग बैग फिल कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे विप क्रीम ली है, उसमें मैंने रेड फूड कलर ऐड किया है और स्टार नोजल लिए। यहाँ पे मैं फ्लावर्स बना रही हूँ पूरे केक में। हम इसे पूरे केक को फिल करेंगे। जो गैप्स है वहाँ पे हम स्टार नोजल से स्टार्स बना देंगे और हमारा केक तैयार है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।